17/4/2023 हो गया, पूरे 4 महीने होने जा रहे हैं। हेलो दोस्तों, फेसबुक लाइव में एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। छतरपुर जिले में एक आज से 4 मंथ पहले बुक बैंक का प्रारंभ किया गया था और आज ही के दिन पूरे 4 महीने हो चुके हैं। तो अब हम यहाँ पर ये जानेंगे कि कितने बच्चों को या कितने लोगों को यहाँ से लाभ मिला है और बुक बैंक कैसा चल रहा है, कितनी किताबें यहाँ पर आ चुकी हैं, मतलब कितना इसमें खर्च आया या ये फ्री में ही सब चीज़ें चल रही हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को जानेंगे हम यहाँ की मैम से। तो आइए हम बात करते हैं और जानते हैं यहाँ की काफ़ी सुविधाओं के बारे में और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, ये भी हम जानेंगे। तो देखते रहें। चलेगा ऐसे? जी मैम, मैं आपका शुभ नाम जानना चाहूँगी। साथियों नमस्कार, मेरा नाम दमयंती है। ये बुक बैंक का मुख्य उद्देश्य क्या था और ये कैसे चल रहा है, आप मुझे इसके बारे में बताएं। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप इसको जानने की इच्छुक हैं और आप यहाँ तक आई हैं। आप देख ही रहे हैं, बुक बैंक का नाम है गांधी बुक बैंक। इसका उद्घाटन हम सब युवा साथियों ने मिलकर 16/4/2023 को किया था और आज 17/8/2023 है। ये 4 महीनों की उपलब्धि है और आप ये देख रहे हैं कि हमारे पास में कितनी किताबें ये चारों तरफ आई हुई है। अब इसका उद्देश्य ये था कि कुछ हमारे युवा साथी थे, उनको बार बार लगता था कि बुंदेलखंड में पैसों के अभाव के कारण पढ़ाई कई बार बच्चों की छूट जाती है। सो यदि उन्होंने कहीं कहीं इस चीज़ को महसूस किया था तो उनको लगता था कि ये दोहराव ना हो दोबारा किसी और युवा साथी के साथ, बच्चों के साथ। तो उनके दिमाग में आया कि ये पहल ऐसी की जाए कि लोगों के पास बहुत पढ़ने के बाद किताबें होती है। कोई बच्चा साइंस पढ़ रहा है, कोई मैथ पढ़ रहा है और आगे कोई तैयारी कर रहे हैं IAS की, सब एग्ज़ामों की, तो बहुत किताबें पढ़ने के बाद में रह जाती है। तो लिया तो वो किताबें कोई किसी पहचान वालों में शेयर करता और नहीं किया तो घर पे ही रह जाती है और अंत में होता है कि किताबें कबाड़ में चली जाती है। तो जो पहल थी युवा साथियों की कि हम ऐसा पहल चालू करें और अपने साथियों से कहे कि जिनके भी घर में ऐसी किताबें हैं वो यहाँ पर आकर देखे जाएं, जिससे कि जो हमारे समाज के ज़रूरतमंद लोग हैं वो इसका उपयोग कर सकें। तो ये युवाओं के अंदर का आत्मबल और विश्वास था जिन्होंने ये पहल रखी और उस सब में हम सब बड़े जो लोग थे उसमें साथ दिया कि हाँ बेटा, यदि करना चाहते हो तो प्रयास करो, देखते हैं क्या होगा। सफलता और विफलता तो ऊपर बात की बात है, अपन इसको ईश्वर के ऊपर छोड़ देना चाहिए। इस पहल को लेकर युवाओं ने इसकी शुरुआत की और सफलता वाकई में बहुत इस 4 महीनों में मिली कि किताबें कम से कम हमारे पास इसी शहर से 2000 से ज़्यादा किताबें आई हैं और किताबें पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट की नहीं हैं, किताबें इतनी ज्ञान की है। हम कहते भी कि सबसे अच्छा साथी किताब है, वो हमको इससे जाहिर होता है। और जो लेने वाले लोग हैं, इसमें लाभ लिया जिन लोगों ने, 300 के करीब ऐसे युवा साथी लोग हैं। पर इसमें सिर्फ एज ग्रुप बॉन्ड नहीं है कि 5वीं से 12वीं तक बच्चे आ रहे हैं, बच्चे कॉलेज वाले भी हैं और जो पढ़ने के इच्छुक लोग हैं बड़ी उम्र के भी, उन लोग आके भी बहुत ही किताबें लेते हैं और जाते हैं। तो जो हम सब युवा साथियों ने किया है और जो यंग लोग हैं उनको बहुत खुशी होती है कि ये जो हमने पहल की बहुत ही अच्छी एक पहल हुई है समाज के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि जब इस काम को शुरुआत करने की कोशिश की तो कभी मन में ये नहीं था कि पैसा है कि नहीं, काम को कैसे शुरू करेंगे, क्योंकि ख्याल यही आता है ना कि पैसे के अभाव से काम कैसे होगा। पर पैसा मायने नहीं रखा है क्योंकि पैसा इसमें गौण था। हमारे पास ये कमरा उपलब्ध था गांधी आश्रम में और कुछ हमारा पुराना फर्नीचर था, उस फर्नीचर में ही किताबें लेने लगे और रखने लगे और यहाँ से जिनको ज़रूरत होती है वो ले जाने लगे। पर अब ऐसा है कि कुछ लोगों को लगता है कि हम इस जगह में कैसे सहयोग कर सकते हैं, तो वो सबका स्वागत है और आए, इन युवाओं का मनोबल बढ़ाएं और इसको काम को और आगे ले जाएं कि हमारे शहर के और बाहर के लोग इनसे लाभ ले सकें। तो क्या इस बुक बैंक में लोग बुक को पढ़ने भी आते हैं या फिर ले जा रहे हैं या सिर्फ देने ही आ रहे हैं?
दोनों बातें हैं, देने भी लोगों ने आए हैं, देने वाले लोग के पास किताबें ज़्यादा होती है, लेने वाले, मैंने कहा ना 300 से ज़्यादा बच्चे लोग और बड़े लोग इसका लाभ लिए हैं, तो वो लेके जाते हैं। अच्छा, हमारे पास थोड़ा स्पेस है, एनवायरनमेंट है बैठने का, किसी को लगता है तो हम यहाँ पर बैठ के पढ़ेंगे गांधी आश्रम में, पर ज़्यादातर लोग ले जाना पसंद करते क्योंकि एक लंबा समय, एक आध घंटा दो घंटा तो यहाँ बैठ के पढ़ लेते हैं, फिर उनको उससे और काम करना रहता है उन किताबों के साथ, तो 10 दिन 20 दिन महीने भर के लिए ले भी जाते हैं। और फिर हम लोगों ने एक छोटा सा वहाँ पर डोनेशन बॉक्स रखा है कि आप स्वेच्छा से उसमें 10 रुपये रख के चले जाइए, इससे होगा कि आपकी अपनी एक छोटी सी उसमें पूंजी आप दे गए हैं, तो एक छोटी सी ये शुरुआत की है और बहुत सुंदर तरीके से चल रहा है और बच्चे आते हैं जाते हैं। कल ही आई थी साक्षी, उन्होंने अपनी किताबें दे के गई हैं, वो भी आई थी और अपने, अरे आज तो कमाल हो गया, फोन एकदम ही रुक नहीं रहे, तो थैंक यू। मुझे लगता है कि तो आप और क्या संदेश देना चाहती हैं लोगों को और कैसे वो लोग, मैं एक मिनट में बात कर रही हूँ, एक मिनट। हाँ, मेरा लोगों से यही कहना है कि समाज को जागरूक करने के लिए और समाज की जरूरत के लिए, क्योंकि हम सब हैं तो सामाजिक ही प्राणी, तो हमारा भी अपना दायित्व बनता है कि यदि हम कुछ समाज से लेते हैं तो हम दें, पर देने की समझ जब जब हम में जैसे आ सके, तो हर व्यक्ति में अपनी समझ अलग तरीके से आती है और हर व्यक्ति की देने की क्षमताएं अलग अलग होती है, कोई किसी रूप में दे सकता है, कोई किसी रूप में दे सकता है, तो हर व्यक्ति अपनी क्षमताओं को समझे पहचाने और ये मान ले कि जो समाज जो है हम इंसानों से ही चलने वाला है, तो लेन देन का चक्र पर्याप्त चलता रहे तो हमारा समाज बहुत अच्छा हो जाएगा। दो मिनट में फोन करूं, हाँ। तो यहाँ पर जो बच्चे आए हैं सबसे ज्यादा वो ग्रामीण इलाकों से बिलोंग करते हैं या शहरी स्तर के, कैसी जरूरतमंद बच्चे यहाँ पर ज्यादा देखने को मिले हैं, जैसे आपने बताया 300 लोग आए हैं। बिल्कुल, जो छतरपुर ज़िले के 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर से जो शहर पढ़ने आ जाते हैं बच्चे और संघर्ष अपना रहते हैं, तो रहना खाना तो मैनेज करते हैं, पर किताबें कुछ तो खरीदते हैं, कुछ किताबें महंगी होने के कारण नहीं ले पाते, तो वो खोज के तहत आते हैं कि शायद हमारी जो ज़रूरत की किताबें इधर इन किताबों में कहीं मिल जाए, तो ऐसे ज़रूरतमंद ही होते हैं तो उनको मिल भी जाती है और बहुत खुश हो के जाते हैं, तो ज़्यादातर लोगों को अपने पसंद की किताबें यहाँ मिली है। कुछ लोग होते हैं जिनको जो ज़रूरत है वो नहीं मिलती, पर उसके बदले में भी जो मिलती है तो उनको लगता है कि हमको अच्छी किताबें मिली, तो दोनों प्रकार की चीज़ें आती हैं जब हम व्यवहारिक तरीके से कार्य करने जाते हैं। तो थैंक यू, डिस्टर्ब हुआ ना थोड़ा ये साउंड, तो देखा दोस्तों आपने कि कितनी अच्छी आज से चार महीने पहले पहल की गई थी गांधी बुक बैंक की, और ये छतरपुर जिले में गांधी आश्रम में है, जो भी बच्चे यहाँ से लाभ लेना चाहते हैं और वो लाभ ले सकते हैं, और जो लोग भी मदद करना चाहते हैं, कुछ ग्रामीण बच्चे हैं जैसा कि आपने सुना 300 के करीब बच्चे यहाँ से चार मंथ में अभी तक लाभ ले चुके हैं और काफी लोगों ने अपनी बुकों को यहाँ पर जमा कर दिया है जो और लोगों के काम आ रही हैं, तो अगर आप भी चाहें तो यहाँ आकर जमा कर सकते हैं, और अगर आपको हमारा लाइव पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, फिर मिलते हैं किसी अगले टॉपिक के साथ, तो बने रहें हमारे चैनल के साथ, शुक्रिया दोस्तों।